स्टूडेंट आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 गणित के सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, पूरे किताब से सबसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, जो कि आप सभी के पेपर में इस बार 27 फरवरी की बिल्कुल 100% गारंटी, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपके मैथ के पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको मैथ के आपके पूरे की किताब से सबसे महत्वपूर्ण, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, पूरे के पूरे हल के साथ बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोग मात्र यानी लास्ट दिन भी अगर आप लोग 27 फरवरी पेपर से एक घंटे भी पहले इस वीडियो को देख लोगे ना, तो आपका 70 नंबर गणित में पक्का हो जाएगा। ठीक है, मात्र एक घंटे इस वीडियो को आपको देखना है, तो यहाँ पे देखिए एक घंटे पहले इस वीडियो को अगर देख ली आप लोग मात्र इस सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, सभी वायरल पेपर जितने भी हमारे पास है गणित के, ठीक है, सभी वायरल पेपर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो कि आपके सभी पेपर में, सभी सेट के पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोग मात्र इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आप लोग मैथ में बिल्कुल आग लगा कर आओगे, धुआं धुआं करके आओगे, पूरे पूरे तहलका मचा करके आओगे। ठीक है, 100% पक्का है कि आप सभी लोग के पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी कभी आप लोग तैयार कर लो, मैथ में बिल्कुल आप लोग टॉपर बन जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो है सभी सेट के लगभग पेपर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो गणित के सभी वायरल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी जो सभी पेपर में हर साल आया हुआ है, सभी क्वेश्चन मैथ के बिल्कुल वायरल क्वेश्चन जो 100% आपके पेपर में 27 फरवरी के छपने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके ही आप सभी लोग पेपर से पहले उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिये सबसे पहले कि आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपको बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखना है, पूरे पूरे सोल्यूशन के साथ हम बताने। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आप सभी के पेपर में, हम कह रहे हैं कि 100% जो गारंटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी के पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, दिया है क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ये इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और आपके पास भी टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए हम आपको पूरा ये सॉल्व करके यहाँ पे समझा करके, यानी ये सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे हम आपको सिर्फ इसको समझा कर अच्छे तरीके से बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले हम मानेंगे कि ये जो 3√2 है ये परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी हम ये है तो ये अपरिमेय संख्या, लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि हम इसको मान रहे हैं। ठीक है, यानी ये गलत है फिर भी हम इसे मान रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये विरोधाभास है। ठीक है, यानी गलत चीजों को भी उसको सही मानना, तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो यहाँ पे क्या है, माना 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है ये क्या हो जाएगा, पी बटे के क्यू बराबर, यानी कि क्यू जो है ये नहीं बराबर नहीं होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इस सूत्र से आपको रखना है 3√2 इक्वल यहाँ पे पी बाई क्यू। ठीक है, यहाँ पे पी बाई क्यू हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो ये 3 है, ठीक है, ये 3 क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, इसमें इंटू में है, बराबर के इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, √2 इक्वल, ठीक है, पी बाई यहाँ पे 3 इसके पास आ गया, 3 क्यू, इतना हो गया। ठीक है, यानी ये चीजें हो गई बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि पी बटे के 2q जो है ये पूर्णांक है। ठीक है, इस तत्व का विरोधाभास है, अतः 3√2 का एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। तो ये चीजें आपको ऐसे सॉल्व करना है, और ये कई प्रकार से, यानी यहाँ पे कभी 5√2 दे देगा, ठीक है, 3 एक अपरिमेय संख्या है, √3, तो ऐसे कई प्रकार से आपके पेपर में ये आ सकता है और पक्का आएगा, इसको जरूर आप लोग इसको तैयार करके जाओ। अगला आप सभी के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से x − y = 26 कहाँ x − 3y = 0, इसको आपको हल करना है। ठीक है, इसको हम कॉपी लिखो में पूरा हल करके समझा कर बताएं, यहाँ पे हम आपको सिर्फ इस तरीके से बता देते हैं कि दिया है समीकरण। ठीक है, पहला जो समीकरण है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, दूसरा जो है इसको हम यहाँ पे सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को हम घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा, यानी कि यहाँ पे जो ये
एक्स है ये प्लस में है, अब हमें घटाने के लिए इसका चिन्ह बदलना होगा, जहां पे प्लस रहेगा वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस एक्स है, अब हम घटा रहे हैं, यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह घटा रहे, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 3y में से माइनस का y गया, तो 2y बचा, ठीक है। और 2y इक्वल 26 यहाँ पे, तो इस तरीके से 2y इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारा, यहाँ पे माइनस वाई एक इसमें से घट गया, तो हमारे पास 2y बचा, 2y इक्वल 26 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे y इक्वल क्या हो जाएगा, 26 बटे के ये दो जो है इसके भाग में हो जाएगा, बटे के यहाँ पे दो, ठीक है। अब y बराबर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे y बराबर यहाँ पे दो से ये 26 जो है 13 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास y बराबर 13 आ गया, कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, हम जो यहाँ पे 13 आया है हमारा y का मान, इसको हम ये समीकरण फर्स्ट है इसको हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम x माइनस वाई के जगह 13 रख देंगे बराबर 26, ठीक है, ये हम समीकरण एक में मान रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 13, ठीक है, y का मान जो है 13 बराबर 26। अब यहाँ पे x, ठीक है, ये जो माइनस है बराबर इधर जाएगा 13, तो ये प्लस में हो जाएगा, x बराबर 26 प्लस 13 बराबर ये क्या हो जाएगा, x बराबर 39, इसको ऐड करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यानी कि x बराबर 39 कमा वाई बराबर 13, ये आंसर हो गया, ठीक है पूरा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का 100% 27 फरवरी के पेपर में छपा हुआ है। यहाँ पे देखिए समीकरण है 4x प्लस, ठीक है, पी वाई प्लस 8 इक्वल 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है, इस तरीके से है, हल है दिया है कि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट, हमने यहाँ पे कि पहला समीकरण को फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे को सेकेंड, समीकरण का निकाय करने पर, ठीक है, एक्स यानी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल सी वन, ठीक है, बी टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल सी टू, ठीक है। यहाँ पे जो ए वन है, ए वन बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इसको ए वन बराबर 4 हो गया, और ए टू बराबर हमारे यहाँ पे ए टू है, ठीक है, ए टू बराबर क्या है, यहाँ पे ए टू बराबर 2 है, तो यहाँ पे 2 रखना है। उसके बाद बी वन बराबर, यानी बी वन बराबर क्या है, यहाँ पे बी वन बराबर पी है, ठीक है, और उसके बाद बी टू बराबर क्या है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको रख देना है आपको ऐसे बी टू बराबर, ठीक है। अब अद्वितीय हल के लिए आपको क्या करना है, ए वन ए टू, ठीक है, यानी बराबर नहीं है बी वन बी टू के, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी बराबर 4, ठीक है, ए वन का मान क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को रख देना है, बटे के ए टू का मान क्या है, 2 है, 2 को रख देना है, बराबर नहीं है पी, ठीक है, यानी बी वन बी टू का मान, बी वन का मान पी है, बी टू का मान 2 है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये 2 एकम 2, 2 दुना के 4, तो ये यहाँ पे आ गया 2 बटे के 1 बराबर नहीं है पी बटे के 2 के, ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, बराबर यहाँ पे 4 बराबर नहीं है पी के। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यानी 4 इक्वल नॉट 4, तो यहाँ पे क्या है, ये एक अद्वितीय हल, ठीक है, पूरा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप लोग खुद यानी कल के लिए बिल्कुल तैयार होते ये सभी चीजें, आई होप कि आपको यानी बताते ही पूरा समझ में आ जाता होगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ पेपर में जाकर छापना है, बाकी पूरी तैयारी आपकी डन हो चुकी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ जाइए पूरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रेखीय समीकरण के युग में बदलकर हल करना है, ठीक है, इस तरीके से दिया है 5, ये जरूर पेपर में आएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, 5 बटे के एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटे के वाई माइनस 2 इक्वल 2, ठीक है, 6 बटे के एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटे के वाई माइनस 2 इक्वल 1, इसको हल करना है, ठीक है, हल करना है आप सभी को, कैसे हल करना है, देखिये 5 बटे के एक्स माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे है प्लस 1 बटे के y माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा इस तरीके से कि यहाँ पे 2, ठीक है, 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बटे के x 1, ठीक है, x माइनस 1 माइनस 3 बटे के y माइनस 2 इक्वल 1, ये समीकरण सेकेंड मान लिया गया। समीकरण एक जो है उसमें 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, इसमें क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, इसमें 3 से गुणा है, यानी इसमें भी 3 से करेंगे, इसमें भी 3 से करेंगे और इसमें भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यानी गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, गुणा करने के बाद ये जो समीकरण 2 है इसको जोड़ने पर, तो हमें प्राप्त हो गया 5 बटे के एक्स माइनस 1 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1 बटे के वाई माइनस 2 इंटू 3, उसके बाद बराबर
टू इंटू थ्री, तो ये तो हो गया 6, ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग। इसके बाद यहाँ पे देखिए हो गया यानी 5 15, 15 बटे के एक्स माइनस वन प्लस प्लस यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, फिर उसके बाद वाई माइनस टू, ठीक है, इस तरीके से 3 एकम 3 वाई माइनस टू यहाँ पे हो गया और ये 6 ही है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 15 बटे के एक्स माइनस वन प्लस 6, ठीक है, एक्स बटे के एक्स माइनस वन प्लस 3 बटे के वाई माइनस टू प्लस में ये चीजें आपको लिख देना है, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी 3y-2 इक्वल यहाँ पे 6+1। अब यहाँ पे आपको 15 प्लस यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस वन प्लस 3 बटे के y माइनस टू माइनस हो जाएगा 3 बटे के y माइनस टू, बराबर यहाँ पे 7 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों जोड़ करके 21 हो जाएंगे, 21 बटे के x माइनस वन बराबर यहाँ पे 7, ठीक है, ये 7 बटे के 1। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको हल करना है, बाकी इसका आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 3+1=4, ये पूरा आंसर है, ऐसे ही आपको इसको हल करना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स का स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 = 0 के दो मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिया है द्विघात समीकरण जो है उसको लिख देना आपको, ठीक है। उसके बाद समीकरण में जो है ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है, तो यहाँ पे ए के मान की जगह आपको ए के मान की जगह यहाँ पे पी दिया है, पी को लिख देना है। बी का मान जो है 2√5 दिया है, तो √2√5 पी इसको आपको लिख देना है, ठीक है। सी का मान 15 दिया है, इसको लिख देना है। विभेद कर के सूत्र क्या है, इस सूत्र को आप लोग रट लो, पक्का रट लो, इससे आपके पेपर में तो 2-3 क्वेश्चन तो 100% पक्का आएगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, ठीक है। डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये विभेद कर का सूत्र है। डी बराबर यहाँ पे बी का स्क्वायर जो है इसका मान यहाँ पे आपको रख देना है, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 4 है क्वेश्चन में, तो 4a का मान यहाँ पे पी माना गया, तो पी है यहाँ पे पी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी का मान 15 है, अब बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर 4 यानी ये इसको जब हम निकालेंगे तो ये -2 -2 ये प्लस का 4 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा इंटू पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 × 4 = 60 यानी -60p, ठीक है, इक्वल 0। अब डी बराबर क्या हो गया हमारे पास 5 × 20 पी का स्क्वायर, 20p² -60p इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद डी बराबर हो जाएगा पी और उसके बाद यहाँ पे डी बराबर पी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 20p, ठीक है, -60, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे बराबर 0/p। अब यहाँ पे देखिए डी बराबर हो जाएगा 20p-60 = 0, डी बराबर हो जाएगा 20p = 60, ठीक है। यहाँ पे पी बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 60, ठीक है। तो यहाँ पे डी बराबर पी और ये 60/20 = ये कट गया 3 बार में, तो D बराबर कितना आ गया हमारे पास आंसर, 3 आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग इसको पूरा रट लो, तैयार कर लो, 100% पेपर में आना ही आना है आपके। अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विभेद कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से ज्ञात करना है, दिया है जो भी सूत्र उसको आप लोग लिख दीजिए पहला, ठीक है। उसके बाद इस सूत्र से हम इसका कंपेयर कर देते हैं, यानी यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया ए बराबर यहाँ पे इस तरीके से 9 प्राप्त हो गया, ठीक है, और बी बराबर यहाँ पे क्या हमें प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया, सी बराबर यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया। अब इस सूत्र से विभिदकर का सूत्र है यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लो, इसी से लगाइए, ठीक है। डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे डी बराबर बी का स्क्वायर में क्या दिया 6 दिया है माइनस, तो -6² - 4 और उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 हो गया इंटू यहाँ पे ए, ए का मान कितना है 9 दिया है, उसको लिख देना है बराबर यहाँ पे 1, ठीक है। अब आप लोग को इसको हल करना, देखिए 6 × 36 हो जाएगा, 2 × 6 = 36 यहाँ पे 6 × 36, ठीक है, 36 माइनस यहाँ पे 9 × 36 यानी 36 ये भी हो गया 36 ये भी, तो इस तरीके से और बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, यानी मूल वास्तविक और समान है, मूल एक्स बराबर माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस √2a / 2a,
ठीक है। देखिए ये चीजें आप सभी लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका आंसर जो आ जाएगा वो एक्स बराबर एक बट्टे की तीन कमा एक बट्टे की तीन मूल आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा हल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर हल। नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है, इसे धारा के विपरीत दिशा में 30 किमी जाने तथा फिर धारा की दिशा पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, ठीक है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माना कि जो धारा की चाल है वो यक्ष दिया है, शांत जल में नाव की चाल जो है 15 किमी प्रति घंटा है, धारा की दिशा में नाव की चाल जो है 15 प्लस यक्ष है, धारा की विपरीत दिशा में चाल जो है 15 माइनस यक्ष है, धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, ठीक है। समय क्या है यहाँ पे देखिये, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना लगा, यहाँ पे 4 घंटे 30 मिनट लगा है, तो यहाँ पे 30 हो गया बटे के यहाँ पे 15, ठीक है, माइनस यक्स, यानी दूरी हो गया और ये चाल हो गया, ये चाल का मान हो गया, ठीक है। चाल का मान यहाँ पे दिया हुआ है ना, धारा की दिशा में नाव की चाल 15। हमें निकालना है कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय निकालना है, ठीक है। तो सभी चीजें विपरीत में निकलेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 माइनस यक्स कहाँ से आया है, तो ये भी जो है इस तरीके से इसका, देखिए यहाँ विपरीत दिशा की चाल है, तो इस तरीके से ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल हो गए करता है, धारा जो है अनुकूल दिशा में जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे की चाल, और जो भी दूरी है 30 और चाल जो है 15 प्लस यक्स बराबर घंटा। अब इसके बाद कुल समय जो है 30 बटे के 15 माइनस यक्स प्लस 30 बटे के 15 प्लस यक्स बराबर 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है। इसको आपको लगाना है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग इसको लगा सकते हो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन है, यक्स के लिए हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे समीकरण दिया है, यक्स के लिए आपको हल करना है, एक बटे के इन ब्रैकेट यक्स माइनस वन, ठीक है, इन ब्रैकेट बंद, अगला इन ब्रैकेट है यक्स माइनस टू प्लस एक बटे के यक्स माइनस टू इन टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब आपको इसको यानी 3/2 कामा यक्स जो है बराबर नहीं है 1, 2, 3 के। अब यहां पर देखिए आपको कैसे इसको हल करना है, यक्स माइनस थ्री प्लस यक्स माइनस वन, ठीक है, यक्स माइनस थ्री और माइनस एक यक्स माइनस वन, ठीक है। उसके बाद देखिए यक्स माइनस वन इन टू यक्स माइनस टू यक्स माइनस थ्री इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको रफ कार भी बगल में भी कर सकते हो आप लोग, उसको काट देना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यक्स माइनस थ्री प्लस यक्स माइनस वन, ठीक है, बटे के यक्स माइनस वन और यहाँ पे यक्स माइनस टू यक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे हमारे पास बचा देखिए इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास बचा कितना, टू यक्स माइनस फोर, ठीक है, बटे के यक्स माइनस वन यक्स माइनस टू यक्स माइनस थ्री, उसके बाद टू, ठीक है, यहाँ पे और यक्स माइनस वन को हम काउंट कर लेते हैं, यक्स माइनस टू, उसके बाद बटे में हो जाएगा यक्स माइनस वन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यक्स और उसके बाद यक्स, ठीक है, दो यक्स है और उसके बाद यक्स माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो बटे के यानी ये दो जो है दो बटे के यक्स माइनस वन इंटू यक्स माइनस थ्री इक्वल यहाँ पे 2/3, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से, ठीक है, यानी इतना के बाद ये पूरा इसका क्वेश्चन यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आपके पास समय बहुत कम है, आप लोग इसको बिल्कुल रट के तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं के वर्गो का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना कि बड़ी संख्या जो है यक्ष है, छोटी संख्या का अर्थ जो वर्ग है वो यक्स इंटू 8 है, यानी 8 यक्स है। प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग का स्क्वायर छोटी संख्या का वर्ग का स्क्वायर 180, यक्स का स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 180, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स टू माइनस 8 यक्स बराबर 180। तरीके से आप लोग देखिए पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग खुद इतने समझदार हो कि इसको बहुत ही चुटकियों में समझ सकते हो, ठीक है, टॉपर हो बिल्कुल आप लोग,
तो पूरा स्क्रीन शॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी को हल करना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या। अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। त्रिकोणमिति में देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। सिद्ध कीजिए कि साइन 60° कॉस 30°, ठीक है, साइन 30° कॉस 30° 60° सॉरी बराबर 1/2। दिया है कि साइन 60° कॉस 30° भिन्न साइन, ठीक है, कॉस 60°। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, √3/2 हो गया इंटू, ठीक है, √3/2 माइनस 1/2 प्लस इंटू 1/2। इस तरीके से हल करना है आप सभी को, यानी जो भी मान है इस साइड में आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3/4 माइनस 1/4 बराबर 3 माइनस 1/4, इस तरीके से हल करना है। पूरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस बी प्लस सी कॉसेक, ठीक है, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्या है, दिया है जो भी मान है यानी ABC उसको लिख देना है। त्रिभुज के अंत में कोण भी आप सभी को जरूर बनाना है। कोणों का योग जो 180 यानी ए प्लस बी प्लस सी 180। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बाया पक्ष में इस तरीके से, यहाँ पे पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को हल करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, सिद्ध कीजिए, इसको भी आपको सिद्ध करना है। कॉस 15°, ठीक है, प्लस कॉस 75° 15° प्लस साइन 75, ऐसे नहीं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको हल करना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको ऐसे साइड में लिख देना है या इसके ठीक सामने लिखना है। तो इस तरीके से ये हल हो जाएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, यहाँ 3a जो है का न्यून कोण, ठीक है, तब a का मान ज्ञात करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइन 3a इक्वल कॉस, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल कॉस इन ब्रैकेट a माइनस 26° दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कॉस 90° माइनस 3a और उसके बाद कॉस a माइनस 26°। इस तरीके से यहाँ पे आप सभी को पूरा हल करना है। जब आप लोग इसको हल करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 129। अब उसके बाद क्या है, आप सभी को यहाँ पे सूत्र के माध्यम से इन सभी मानों को रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वैसे ही इसको मानों को रखता जा रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से ये सेक हो जाता है। बाकी यहाँ पे 90° माइनस 20°, ठीक है, ऐसे आप सभी को पूरा हल करना है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो 100% पेपर में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि 10 BC/2, ठीक है, बराबर कॉट A/2। त्रिभुज के अंतकोणों का योग 180° है। A+B+C बराबर 180°, BTC बराबर 180°। A दोनों पक्षों में क्या करना है, 2 से भाग देना है। जब दोनों पक्षों में 2 से भाग आप लोग दोगे तो यहाँ पे आप सभी के पास B+C/2 ये 180/2, ठीक है, तो ये भी इससे कट जाएगा, यहाँ पे एक बार में कट जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 99/81। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग आप लोग करोगे तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बायां पक्ष में 10 BC का इस 2 10 90°, ठीक है, माइनस 1/2, यानी इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। पूरा आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो देखिए बहुत ही मेहनत से बन रहा है, और ये आपके रात को बन रहा है, ठीक है, 12 से लेकर 1-2 बजे रात तक ये वीडियो बन रहा है। बहुत ही मेहनत करे आपको मैथ का पेपर देना, लेकिन हम आपसे कई गुना बेहतर मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर, आपका कर्तव्य होता है, इस वीडियो को जरूर आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मैथ में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे बिना पढ़े गणित में पास होने की ट्रिक की वीडियो, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखना है, इस पे भी वीडियो है, जिससे 100% गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आप लोग उस ट्रिक की वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियो दिखेगा, ये आपको YouTube पर सर्च करना है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि इसमें आपको सिद्ध करना है सेक इन ब्रैकेट B+C/2 बराबर कॉसेक A/2, ठीक है, इस तरीके से दिया है, इसी को आपको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आपको जो भी यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से हल करने के बाद यहाँ पे आपको आंसर मिला लेना है, ठीक है, आंसर इस तरीके से आएगा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मीनार की ऊंचाई, ठीक है, 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना कि PQ एक
मीनार है और पी आर इसकी छाया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 20 मीटर और पी आर बराबर 20 और इसके बाद अंडर रूट 3। अब उसके बाद देखिए समकोण हो जाएगा यहाँ पे, समकोण बराबर ठीक है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर ठीक है में टेन की टेन थीटा बराबर पी क्यू बटे के पी आर बराबर 20 बटे के 20 अंडर रूट 3 ठीक है। अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1 बटा के अंडर रूट 3 होता है, तो इसको आप लोग को पुट कर देना है इस सवाल में, जैसे यहाँ पे टेन थीटा बराबर 10 30 अंश ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर 30 अंश आ गया, तो इस तरीके से आंसर आ गया, पूरा ऐसे ही आपको हल करना है। देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है ठीक है, और क्यू बटे के यानी पी बटे के क्यू बराबर अंडर रूट 2। इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है यहाँ पे लिख दीजिएगा ठीक है, कार्य कर लीजिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का जो वर्ग किया जा रहा है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, यानी ये जो इस तरीके से है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लो। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर बटे की का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको हल करना है, देखिए पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है, क्योंकि ये सभी सवाल जो हम आपको बता रहे हैं पूरी पूरी नींद में बता रहे हैं ठीक है, क्योंकि ये रात को 12 से 2 बजे के भीतर आपको ये कीजिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आएगा ठीक है। देखिये सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल हम आप सभी को जो बता रहे हैं ये 12 से 2 के रात के बीच में बता रहे हैं ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा अपने प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ठीक है। और जहां पर भी अगर हमसे मिस्टेक हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हो जाएगी ठीक है, क्योंकि हम पूरे के पूरे जो है हमें नींद भी आ रही है रात को, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है कहीं पर भी छोटा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए माना 5√2 एक परिमेय संख्या है ठीक है, पी बटे के क्यू यानी इसको हम क्यू बराबर नहीं है 0 के। अब यही वाला आपको सूत्र लगाना है यानी पी बटे के क्यू वाला, यही आप सभी को इससे ही तुलना करना है, पी बटे के क्यू बराबर 5√2, 5√2 बराबर पी बाई क्यू, अब ये 5 इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे √2 बराबर पी बटे के 5 क्यू ठीक है। यहाँ पे पी क्यू 5 एक पूर्णांक है में है, अब यहाँ पे देखिए पी बटे के 5 क्यू एक परिमेय संख्या है, तो √2 एक परिमेय संख्या होगा, हमारी परिकल्पना गलत है, 5√2 एक जो है अपरिमेय संख्या है ठीक है, यानी हमारी जो परिकल्पना है सही है लेकिन यहाँ पे माना जा रहा है कि गलत है, तो यहाँ पे विरोधाभास है ठीक है। इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, सभी प्रकार के क्वेश्चन पूरे किताब से हम बता रहे हैं आपको ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे, पूरे 70 में 70 की तैयारी आपकी मैथ की पूरी 1 घंटा में संपूर्ण हो जाएगी ठीक है, यानी 1 घंटा पहले पेपर से इस वीडियो को जरूर देख लो, मात्र 1 घंटे की समय बचा है, आप लोग इसको तैयार कर लो। द्विघात समीकरण 3x² - 2√6 ठीक है, x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पे 3x² - 2√2 √6 ठीक है, सॉरी x + 2 = 0 की तुलना आप सभी को इस सूत्र से करना है, ax इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग विभेदकर का कोई सूत्र आएगा ऐसा वाला समीकरण वाला आएगा मूल याद करने के लिए, तो आपको ये ठीक है इस तरीके से ये इससे आपको इस सूत्र का तुलना करना है, इसमें जो भी मान है उसको ऐसे लिख देना है और यहाँ पे विभेदकर का सूत्र लगाकर आपको ऐसे जरूर हल कर लेना है ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा तब। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे हमारे पास ax² + bx + c है, तो a का मान 3 दिया हुआ है, b का मान यहाँ पे -2√6x दिया हुआ है, प्लस c का मान यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। विभेदकर का सूत्र आपको लगाना है D बराबर यहाँ पे हो जाएगा b² - 4ac ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, इसी सूत्र पे सभी मान जो ऊपर दिए उसको रख करके यहाँ पे रख दोगे तो ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आंसर जो आएगा वो x√6/3 आएगा, ये पूरा मूल का आंसर है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ऐसे ही इसको। यहाँ पे देखिए आप लोग इसको बिल्कुल एक बार इसको लगा लीजिएगा ठीक है, और इसको बिल्कुल समझ जाएगा क्योंकि ये आपके पेपर में 100% इसी में से पूरे क्वेश्चन बनेंगे ठीक है, इसी जो वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं इसी क्वेश्चन से आपके पेपर बनेंगे पूरा। समीकरण ठीक है, यहाँ पे समीकरण हो जाएगा x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल जो है ज्ञात करना है आपको। माना कि मूल जो है अल्फा बीटा तथा
अल्फा बीटा है, तब एक बटा के अल्फा और एक बटा के बीटा मूलों का योग का, यानी मूलों का योग, ठीक है, ये क्या है, एक बटा के अल्फा एक बटा के बीटा, ये व्युत्क्रम के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे के एक्स का स्क्वायर का गुणांक, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक जो हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -7 बटे के 1, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे 7 बटे के 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। और मूलों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा अचर पद है एक्स का स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे अचर पद 12 है, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर का गुणांक 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा ऐसे सॉल्व करना है, व्युत्क्रम का योग आ जाएगा, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, ठीक है। और उसके बाद इसको जब हम यहाँ पे पक्षांतर करके सूटेबल तरीके से लिखेंगे सूत्र को, तो ये भी यानी बीटा प्लस अल्फा बटे के अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या करना है, इसका जो मान है उसको रख देना है, इसका जो मान है इसको रख के ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 बटा के x प्लस 4 माइनस 1 बटा के x माइनस 7 बराबर यहाँ पे 11 बटे के 30 माइनस, यानी यहाँ पे यक्स, ठीक है, बराबर नहीं है किसके, -4,7 के। दिया समीकरण जो भी उसको आपको लिख देना है, यहाँ पे 1 बटा के यक्स प्लस, ठीक है, उसके बाद 1 बटा के 4 माइनस यक्स माइनस 7, इस तरीके से इसको हल करोगे तो 11 बटे के 13 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से आप लोग हल करोगे तो यहाँ पे 11 बटे के 13 ऐसे आ जाएगा पूरा, ठीक है। इस एक्स से इस एक्स कट गया, यहाँ पे हमारे पास बचा -7 और -4, ये दोनों ऐड होकर 11 हो जाएगा, यानी -7 और -4 ये दोनों मिलकर चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस का, तो ये जुड़ करके 11 बटे के ये हो जाएगा 28, 29, 30 हो जाएगा 29, ठीक है। -11 x बटे x का स्क्वायर -3 x -28 बराबर 11 बटे के 30, ठीक है। ये पूरा आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 11 से 11 कट गया, बाकी इस पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको पूरा हल करना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर जो आएगा x² - 3x + 2, इसका आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के वास्तविक है, यदि ऐसा है तो मूलों का द्विघात सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया है 9x² + 7x - 2 = 0, अब इससे हम इसका तुलना कर दिए, ठीक है, यहाँ पे जो मान है उसको लिख दिए, लगाएंगे यहाँ पे हम विभेदकर का सूत्र, जैसे लगाएंगे पूरा इसका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7² - 4 × 9 × -2, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा देखिए, 9 का जब हम लोग इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, ठीक है। -18 का जब 4 में -18 का -4 में हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 72, ठीक है, यानी 9 × 72 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये -72 प्राप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पे 49 + 72 = 121 हो गया, ठीक है। बराबर क्या आ गया यहाँ पे, डी बराबर 121 आ गया, ठीक है। विभेदकर के सूत्र फिर से आपको लगाना है, मूल समान होगा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे ही आप सभी को पूरा क्वेश्चन है। देखिए, 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। माना 2 क्रमागत जो धन संख्या है वो माइनस यहाँ पे 2x है, ठीक है, कामा 2x + 2 है। अब यहाँ पे 2x² + यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2, यानी इसको a + b² यहाँ पे बना सकते हो, प्लस यहाँ पे 2 200, ठीक है, 44 हो जाएगा। यहाँ पे a + b का इसको हमने बताया ना आपको कि इसको स्क्वायर बना लोगे, और इसका हो जाएगा 1² + b² + 2ab, तो यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को लिख देना, 1² + 2x² + ठीक है 2 का स्क्वायर + 2 × 2x + 2 का स्क्वायर 2 × 2x × 2, ठीक है, बराबर यहाँ पे 244। यहाँ पे देखिए 4x² + यहाँ पे हो जाएगा 4x² ठीक है 4x² + यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4 + यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 × 4 = 8 और 244, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आठ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यानी आठ एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आठ एक्स प्लस फोर इक्वल 244, आठ एक्स का स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस फोर, ठीक है, माइनस 244 बराबर जीरो, आठ एक्स का स्क्वायर प्लस आठ एक्स माइनस 240 बराबर जीरो। इसमें से हम क्या करेंगे, आठ को ऐसे कॉमन ले लिए, एक्स का स्क्वायर बचा प्लस यहाँ पे एक एक्स बचा माइनस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 30 बच गया बराबर। सभी को यहाँ से, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस 30 बराबर जीरो, इसको आपको पूरा मान को रख करके यहाँ पे आंसर लाना है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को पूरा आंसर ऐसे लाना, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा ऐसे ही आप सभी को हल करना है। इसको हमने कई बार अच्छे तरीके से समझा कर बताया, चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यहाँ पे बता देते हैं, आप लोग इसको हल। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, ठीक है। संख्याएं ज्ञात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। माना कि यक्ष कामा वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे यक्ष क्या है, यानी कि यक्ष वाई से बड़ा है। अब यहाँ पे दोनों जो है, यहाँ पे संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यक्ष माइनस वाई बराबर 2, यक्ष माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माना गया, संख्या के वर्गों का योग जो है, ये योग जो पूरा है इस तरीके से 34 है। यक्ष का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 34, समीकरण 2 माना गया। ए का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यक्ष माइनस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब कि ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, 34 यहाँ पे दिया है। ये ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर हो गया, मतलब इस सूत्र पे रखा गया है, ए का एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, और बराबर यहाँ पे 34। तो इसको आपको पूरा ऐसे लिख देना है, बहुत ही सरल। देखिए पूरा ऐसे मान रख करके आंसर ला देना है आप सभी को, बहुत ही सरल है, पूरा आप लोग इसको तैयार कर लो 100% पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेमी तथा 60 सेमी है, ठीक है, क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। माना त्रिभुज जो है वो A1 A2 है, ठीक है, पहले त्रिभुज का परिमाप जो है बटे के दूसरे त्रिभुज का परिमाप A1 बटे के A2, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे जो मान है उसको रख देना। जैसे यहाँ पे A1 का मान हम 40 मान लेते, यहाँ पे दिया हुआ है, और A2 का मान 60, ये क्या है, ये कट गया यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास बचा A1 बटे के A2 बराबर यहाँ पे 2/3, ठीक है। अब पहले जो है, अब क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे के दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। A1 का स्क्वायर बटे के A2 का स्क्वायर बराबर 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, देखिए 2 यानी कि स्क्वायर है तो 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो 4/9 बराबर यहाँ पे 4:9 अनुपात होगा। इस तरीके से आपको पूरा हल करना। ऑप्शन है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, ठीक है, (-2, -3) है तथा B के निर्देशांक (-1, 4) है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पक्का इस बार आएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक वृत्त बनाया गया है, जैसे इसमें क्या है, इस तरीके से इसका व्यास है, यहाँ पे केंद्र जो है सी माना गया है, जिसपे केंद्र पे यहाँ पे 2, -3 है, ठीक है, इसको माना गया, ऐसे पूरा लिखा गया। माना ए के निर्देशांक जो है X1 और Y1, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक सी है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, X1 + X2/2 बराबर यहाँ पे 2, ठीक है, X1 + 1/2। अब इस तरीके से आपको पूरा हल करना है, X1 बराबर यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, Y बराबर Y1 + Y2/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -3 बराबर यहाँ पे A1 + 4/2, ठीक है। इस तरीके से पूरा हल करना, बाकी यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, X का मान 3 आया, माइनस Y का मान 10 है, तो 3, -10, ये पूरा इसका पहले इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, ठीक है, (-6, 9) और (B), (0, 1) और (C, -6, -7) संरेख है। इस तरीके से है, इसको आपको हल करना। A का मान इस तरीके से माना गया है, ठीक है, A का मान यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बाद B का मान यहाँ पे दिया हुआ है, C का मान यहाँ पे दिया है, इसको X1 Y1, इसको X2 Y2, इसको X3 Y3 मान लेना है। X1 Y1 X2 Y2
अब यहाँ पे आप सभी को इसको हल करना है, ठीक है। ऐसे पूरा देखिए, ये जो हम आपको बता दी ना, इस पे आप लोग अगर ये चीजें पता चल गया तो पूरा आप लोग इसको हल कर लोगे। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे ही आप से। और देखिए यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वर्ग अंतराल है यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। बारंबारता है 6, 8, 10, 7, 9। इस तरीके से सबसे पहले आपको हल करना है यहाँ पे सरणी बनाकर, ठीक है। इस तरीके से चार्ट बनाकर यहाँ पे वर्ग अंतराल जो है, यहाँ पे ये चीजें वर्ग अंतराल में आपको ये चीजें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ग अंतराल लिख देना है यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसके बाद देखिए वर्ग का मध्यमान, यानी आपको ये याद कर लेना है, ये वर्ग का मध्यमान को x से शो करेंगे, इसको आपको लिखना है दूसरे यहाँ पे इस बॉक्स के बाद, इसमें आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मध्यमान का मतलब ये 10 का मध्य क्या हो जाएगा, आधा क्या होगा, 5। यहाँ पे हो जाएगा 30, 30 का आधा 15, ठीक है। 50, 50 का आधा 25, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70, ठीक है। और 70 का जो है आधा यहाँ पे 35, यहाँ पे हो जाएगा 90, इसका आधा 45। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बारंबारता, यहाँ पे बारंबारता जो है दिया है 6, 8, 10, 7, 9। बारंबारता को यफ से दिखाएंगे तो यहाँ पे 6, 8, 10, 7, 9, ये पूरा इसका बारंबारता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यफ इंटू यक्स, यानी यफ का इसका गुणा आपको यक्स में, यक्स के मान में करना है। तो 6 का जब हम इसमें करेंगे तो 6 × 5 = 30, 8 का जब 15 में करेंगे तो 120, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे 25 का 10 में करेंगे तो यहाँ पे 250, 35 का 7 में करेंगे तो 245, 45 का 9 में करेंगे तो 405, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, यानी ये पूरा, अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा, 40, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग, ठीक है। एक यहाँ पे आपको एक ऐसे और लाइन खींचना है जिसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप सभी का योग हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर ये पूरा जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा, और इसको हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ यक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1050। तो इसको पूरा आपको योग में लिखना है, सिग्मा जो पूरे के योग को दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर 40, सिग्मा एफ एक्स बराबर 1050, ठीक है। समांतर माध्य का सूत्र ये याद कर लेना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे के सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1050, उसको रख देना। सिग्मा एफ का मान कितना है, 40, उसको रख देना। इससे 1 0 से 1 0 मर गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे 105 और 4 बचा है। अब इसका जब आप लोग भाग दोगे तो ये हो जाएगा 105/4, ठीक है। तो यहाँ पे भाग दोगे तो यहाँ पे 26.25 आ जाएगा। पूरा इसका राइट आंसर है, आप लोग पूरा करेक्ट छाप लीजिए। ये 100% ये माध्यिका बहुलक माध्य ये ज्ञात करने के लिए पेपर में आपका 3 से 4 नंबर का जरूर आएगा। 27 फरवरी को आने वाला सबसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न बताएंगे और पूरे के पूरे हल के साथ हम आप सभी को बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्या क्वेश्चन है, NCERT बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। और आप सभी का जो बोर्ड का पेपर बनता है गणित का, ठीक है, वो सिर्फ NCERT बुक के ही क्वेश्चन से बनता है, ठीक है। इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, अगर इतना तैयार लिए तो आप सभी का मैथ में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो कितने बार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और ये आपके 2023 में भी पूरे के पूरे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और यहां पे आप लोग, हम आपको यहां पे ट्रिक भी बताएंगे कि यहां पे, ठीक है, कि ट्रिक क्या है और इसको ट्रिक से आपको कैसे हल करना है, यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताएंगे। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता ना, आप लोग मात्र इस वीडियो में पूरे पूरे मैथ आप सभी लोग सीख जाओगे। यहाँ पे ऐसे तरीका से हम आपको ये पूरे क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। अगर आप लोग मैथ नहीं जानते हो लगाने, फिर भी आप लोग सीख जाओगे सिर्फ इस वीडियो में, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे हैं, ये आप सभी लोग देख सकते हो कि आप सभी के पेपर में हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार 3 क्वेश्चन आते हैं और 4-4 नंबर के होते हैं, यानी कि 16 नंबर का ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड के पेपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य दे दिया है, 25 अंक है, तो ए का मान, यानी जो ये ए है,
ठीक है, ए का मान आप सभी को ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए प्राप्तांक दिया हुआ है और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राप्तांक कितना है, 0 से 10 है, ठीक है, 10 से 20 है और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 जो है ये प्राप्तांक दिया हुआ है। इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 3 है, ठीक है, ए है, 6 है, 10 है और 5 है। और यहाँ पे जो ए है इसी का मान आप सभी को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को हल किस तरह से इसको करना है, तो यहाँ पे देखिए अब हल किस तरह से आपको करना है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से, ठीक है, ग्राफ बना लेना है जैसे यहाँ पे हमने बनाया है। इसके बाद देखिए जो प्राप्तांक में दिया है उसमें आप सभी को प्राप्तांक में उस चीजों को लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मध्यमान लिखना है यानी एक्स, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, यानी एफ। इसके बाद यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो सबसे पहले देखिए प्राप्तांक दिया हुआ है और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ से देख करके आप सभी को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 से 10 है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 0 से 10 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे 10 से 20, फिर इसके नीचे आपको लिखना है 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, फिर से यहाँ पे आपको 20 से 30, और यहाँ पे 30 से 40, तो यहाँ पे आप सभी को 30 से 40 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में 40 से 50, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको आपको यहाँ पे फिर से लिख देना है 40 से 50। इसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मध्यमान हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम विद्यार्थियों की संख्या को भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या में पहला जो है यानी 0 से 10 जो है इसमें 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे यानी इसी के आप सभी को इस तरह से सीरीज में यहाँ पे ए, ठीक है, ये दिया गया, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे ए, ठीक है। यहाँ पे 20 से 30 के नीचे क्या है, 6 है, तो आप सभी को इसी के यहाँ पे सुझाई में लिख देना है यहाँ पे 6, ठीक है। इसके बाद 30 से 40 में, 30 से 40 में 10 है, तो आपको यहाँ पे 10 लिख देना है। और यहाँ पे देखिए 40 से 50 में क्या है, 5, तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है 5। तो यहाँ पे देखिए अब हम मध्यमान किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा ये मध्यमान जो है ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुल संख्याओं का योग यानी कि यहाँ पे आप लोग 10 में अगर 0 जोड़ोगे तो वो कितना आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुल संख्या, यहाँ पे कितने संख्या है, यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे एक 10, यानी दोनों 2 संख्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे यानी कुल संख्याओं का योग 10, इसके बाद कुल संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 से आपको जो 10 है वो कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 10 और 20 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कुल संख्याओं का योग कितना है, 30 है। इसमें आपको कुल संख्या 2 संख्या है तो 2 से भाग दे देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 30 में आप लोग 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद देखिये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 0, यानी कि यहाँ पे कितना है, 50 है। अब 50 में क्या हो जाएगा, दोनों को हम जोड़े तो 50 हो गया, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 0 बढ़ गया, 70। आप लोग देखिए हम यहाँ पे आप सभी को जोड़ने का भी आसान ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक एक अंक को जोड़कर एक आप लोग 0 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे 70 हो गया। अब 70 यानी 2 जो है वो 70 को कितने बार में काटेगा, तो वो 35 बार में काटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 4 कितना होता है, 9 होता है, 1 0 बढ़ा दीजिए, 90 हो गया। अब यहाँ पे 90 को हम 2 से काटेंगे तो वो कितने बार में कटेगा, 45 बार में, ठीक है। तो इस तरह से आपको 45 लिख देना है। अब इसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एफ एक्स यानी आप सभी को यहाँ पे एफ एक्स दोनों का मान लिखना है, ठीक है। तो एफ कौन सा है, ये एफ है और यहाँ पे एक्स यहाँ पे हमने निकाला है। तो अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स के बीच में क्या है, इस तरह से इनटू है, ठीक है, यानी यहाँ पे गुणे का सिम्बल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करोगे आप लोग की एफ का एक्स में गुणा करेंगे, ठीक है, इसका क्या कर देंगे, इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 5 का 3 में होगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, कितना, 15, ठीक है। इसके बाद देखिए 15 का a में करेंगे तो 15 a आ जाएगा, तो इस तरह से आप सभी को लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 25 छक्का, 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है,
2500 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 150 लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 35 और यहाँ पे 10, तो कितना हो जाएगा, 35 है ये है और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 350। इसके बाद देखिए यहाँ के 5 का 45 में जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का इसमें पहले 5 में कीजिए तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 का 5 हो जाएगा। इसके बाद हासिल 2 लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 5 का 4 में करोगे तो 5 के 20 और 2 हासिल, ठीक है, 22 हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 22, तो ये कितना हो गया, 225, ठीक है। इस तरह से इतना मान आ गया। देखिए आप सभी को इस पूरे का योग निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, योग। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी को पूरे को जोड़ना है, ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पूरे का योग को किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, ठीक है। इस तरह से ये सिग्मा का सिंबल है और यहाँ पे ये यप को हम जोड़ रहे हैं, तो आप सभी को इस तरह से यप लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिर्फ आप सभी को संख्या को जोड़ना है, ठीक है, और ए जो है ये बीजी व्यंजक है, तो यानी इसको अलग से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। 19 में जब आप लोग 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है, सिग्मा एफ का मान है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे पूरे का योग, ठीक है, एफ एक्स के पूरे योग हम निकालेंगे, तो पूरे योग को क्या दिखाता है, सिग्मा। सिग्मा क्या शो कर रहा है, यहाँ पे पूरे का योग हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे एफ एक्स है तो यहाँ पे एफ और एक्स, ठीक है, तो इसको हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ए है, ठीक है, 15 ए है, ये क्या हो जाएगा कि ये इसमें पूरे में नहीं जुड़ेगा, ठीक है, सिर्फ संख्या ही जुड़ेंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग इस तरह से 15 ए लिख दीजिए, ठीक है, इस तरह से 15 ए लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस, प्लस के बाद अब यहाँ पे जो संख्या है उसको आपको जोड़ देना है। यहाँ पे अब आपको 15 और 150 को जोड़ना है। इस 15 ए को तो हम पहले ही लिख दिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ए लगा हुआ है। तो यहाँ पे 15 और 150 को जो आप लोग जब जोड़ोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 165। 5 यहाँ है, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 165 आ गया, ठीक है। अब 165 में आप सभी को यहाँ पे 350 को जोड़ना है। जब आप सभी लोग यहाँ पे, ठीक है, इसमें 165 है, इसमें आप लोग जब 350 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 का 1, ठीक है, और 3 1 4 1 5, ठीक है, यानी 515। 515 में अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे 225 को जोड़ना है। जब आप सभी लोग इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 740 आ जाएगा। कितना, 740। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 740। इस तरह से आप सभी को इसके अंदर ही लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को समांतर माध्य का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य को एक्स बार से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बार इक्वल हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, बटे यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे जो समांतर माध्य है, ये मान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। समांतर माध्य कितना है, 25 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे समांतर माध्य का मान दिया हुआ है। तो आप सभी को देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से एक्स बार बराबर 25 दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ पे क्या निकला है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ और एक्स, ठीक है, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 15 ए और प्लस यहाँ पे 740 आया है। तो आप सभी को यहाँ पे 740 लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान क्या है, सिग्मा एफ इक्वल ए प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ इक्वल ए प्लस 24। अब जितना भी मान है, ठीक है, आप सभी को इस समांतर माध्य के सूत्र पे रख देना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स बार का मान यानी समांतर माध्य हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 25, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे एक्स बार के प्लेस पे क्या रखना है, 25 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इक्वल, अब यहाँ हो जाएगा 25 इक्वल, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान क्या निकला है, यहाँ पे 15 ए प्लस यहाँ पे 740 जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे लिख देना है 15 ए प्लस 740, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे
बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान क्या है यहाँ पे ए प्लस 24, तो आप सभी को ए प्लस 24 लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे a प्लस 24 जो है, ठीक है, ये किसमें है, ये भाग में है। जब इसका हम पक्षांतर करेंगे यानी यहाँ पे इक्वल की जब इसको इधर करेंगे तो ये इनटू में हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 25 का a में करेंगे तो यहाँ पे 25 a आ जाएगा, ठीक है। जब हम 25 का a में गुणा करेंगे तो 25 a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे, ठीक है, जब हम 25 का 24 में गुणा करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। कितना आएगा, 600, ठीक है। इक्वल यहाँ पे जो चीजें आप सभी को लिख देना है, 15 a प्लस 740, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15a, ठीक है, 15a, फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो 15a है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इधर क्या है, ये प्लस में है। अब जब इधर आएगा इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15a, ठीक है, क्योंकि इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो इसलिए ये इसमें से घट सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसके बाद देखिए बराबर यहाँ पे देखिए जो 600 है ये इधर क्या है, ये प्लस में है। जब इसका हम इधर पक्षांतर कर देंगे इक्वल के इधर तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 740 और यहाँ पे माइनस 600 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें से ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पे 25a में से 15a घटेगा तो कितना आएगा, 10a आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 740 है, 740 में से जब यहाँ पे हम 600 को घटाएंगे तो वो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15a इक्वल 140। अब यहाँ पे हमको a का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 140, ठीक है, बटे यहाँ पे जो ये 10 है ये इनटू में है, इधर जाएगा इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 10। अब यहाँ पे देखिए ये कितने बार में कट गया, यहाँ पे a बराबर क्या हो गया, यहाँ पे एक का इसमें करेंगे तो यानी कि 14, ठीक है, a बराबर कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप सभी को ये सांख्यिकी वाला क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन बताया ना, ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हम कर रहे हैं 21 फरवरी को, 100% गारंटी है। अगर नहीं आया तो ठीक है, आप लोग आकर के कमेंट करना कि नहीं आया, जरूर आएगा ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में, जरूर आएगा, ठीक है। सिर्फ मान चेंज कर देगा लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और आप सभी को इसी तरह से हल करना है जैसे यहाँ पे हम आप सभी को बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आप सभी को यहाँ पे एक्स बार का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे 0 से 10, ठीक है, 10 से यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ पे बारंबारता जो है ये दिया हुआ है 6, 8, 10, 7, 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हल क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे वर्ग अंतराल जितना भी दिया है आप सभी को इस तरह से लिख देना है, यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, आप सभी को यहाँ पे लिख देना है 0 से 10, यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। इसके बाद देखिये यहाँ पे वर्ग का मध्यमान यक्स, यानी इसमें आप सभी को यहाँ पे बताएंगे अभी। इसके बाद यहाँ पे बारंबारता जितना दिया हुआ है यानी एफ का मान, ठीक है, आप सभी को इस तरह से लिख देना है 6, 8, 10, 7, 9, तो इस तरह से आप सभी को लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्ग मध्यमान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सभी को वही वाला सूत्र लगाना है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 में हम 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि मध्यमान जो होगा वो 5 होगा इसका। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है, 30 का क्या मध्यमान हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 50, 50 का मध्यमान 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 और 70 का मध्यमान जो है वो 35 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 40 और 50 90, अब 90 का जो मध्यमान होगा वो 45 होता है, तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मध्यमान यानी एक्स का मान इस तरह से आ गया। इसके बाद देखिए देखिए यहाँ पे एफ इंटू एक्स यानी एफ इंटू एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे एफ इंटू एक्स जो एफ का मान है उसका एक्स में गुणा कर देना है, ठीक है, यानी इसमें आप सभी को इंटू कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग जब 5 का 6 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 6 5 30,
तो आपको 30 लिखना है। उसके बाद देखिए जब आप लोग 8 का 15 में करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 8 का पहले 5 में कीजिए, ठीक है, तो 8 5 40 होता है, तो यहाँ पे आपको 40 का 0 लिख देना है। इसके बाद 8 का जब आप लोग 1 में करोगे तो 8 ही आएगा, और जो हासिल हमने लिया है उसको आपको 8 में जोड़ देना है, तो वो 12 हो जाएगा, ठीक है, 8 4 12 ही होता है, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 25 है, इसके बाद एक 0 लगा दीजिए, 250 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, 7 5 कितना होता है 35, 35 का 5। इसके बाद यहाँ पे 7 3 कितना होता है 21, ठीक है, 21 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है, 245। इसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, 9 5 कितना होता है 45, 45 का 5, ठीक है, हासिल कितना लगा है 4 लगा है, ठीक है। इसके बाद 9 का जब आप लोग 4 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, और 36 में जब 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 में जब 4 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 405, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप सभी को योग निकालना है, पूरे का योग, ठीक है, तो यहाँ पे पूरे का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा को हमने क्या बताया कि ये पूरे को योग बता रहा है, पूरे का योग बता रहा है सिग्मा, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा और इसके बाद एफ है, तो यहाँ पे आपको सिग्मा एफ, अब इसको आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 6 कितना होता है 14, और 14 में जब आप सभी लोग 10 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। इसके बाद 24 में जब आप लोग 7 को जोड़ोगे तो ये 31 हो जाएगा, और 31 में जब आप सभी लोग 9 को जोड़ोगे तो वो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 40 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एफ इंटू यक्स, यानी एफ इंटू यक्स का पूरा योग आप सभी को निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 और 120 को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 150 आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा 150 आएगा। इसके बाद जब हम यहाँ पे 150 में 250 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 400 आ जाएगा, यहाँ पे इसको जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब 400 में क्या जोड़ना है, 245 को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए जब हम 400 में 245 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 645 हो जाएगा। 645 में जब 405 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो गया 4, इसका एक हासिल 5, ठीक है, और यहाँ पे 6 4 10, यानी यहाँ पे 1050 आ गया। सिग्मा एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 1050, ठीक है, पूरा मान। उसके बाद देखिये यहाँ पे समांतर माध्य के सूत्र से क्या हो जाएगा, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे यहाँ पे सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स बार का तो मान नहीं दिया, ये हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमने, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान निकाला हुआ है, जो कि क्या आया था, सिग्मा एफ एक्स इक्वल यहाँ पे 1050 आया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिग्मा एफ का मान 40 है, इस तरह से आप सभी को सिग्मा एफ इक्वल 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप सभी देखिए, ठीक है, ये जो मान है आप सभी को बस इस सूत्र पे रख देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा समांतर माध्य बराबर एक्स इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ है 1050, और यहाँ पे सिग्मा एफ का मान दिया हुआ है 40। यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, उसके बाद 4 का इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है, तो 4 से, यानी यहाँ पे 4 के 4 4 2 के 8, ठीक है, तो ये 2। इसके बाद यहाँ पे 10 में 2 बचा हुआ है, यहाँ पे बचा 2, ठीक है, 2 और यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे हो गया 25। अब यहाँ पे 4 का 25 में भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, ठीक है, यानी 4 6 24 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4 6 24। इसके बाद 1 यहाँ पे बचा हुआ, अब 1 का तो नहीं जाएगा, अब यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, और एक इसमें 0 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब 4 का फिर से जाएगा 10 में कितने बार, 2 बार, यानी 4 2 के 8, ठीक है, और यहाँ पे फिर से 2 बचा है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे दशमलव लगाए हो तो आप लोग 3 अंक तक 0 उतार सकते हो, तो यहाँ पे 2 में 0 यानी कि हो जाएगा 20, और 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर माध्य का जो मान आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे समांतर माध्य x बार
इक्वल यहाँ पे 26.25, ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इसको भाग करके भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये जीरो से जीरो कट गया, आप सभी को यहाँ पे कितने का भाग देना है, यानी 150 में आप सभी को चार का भाग देना। जब आप लोग चार का भाग दोगे तो ये इतना ही आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा, ठीक है, तो आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा। तो ये हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ठीक है, लगातार आप सभी के पेपर में आता है। आप लोग किसी भी बोर्ड के पेपर को उठाकर देखोगे तो ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड के पेपर में जरूर रहेगा, ये मेरी 100% गारंटी, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम आप सभी को इतना ही बताएंगे, ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है, अच्छे खासे इस पे व्यूज आएंगे तो हम आपको पूरे के पूरे जो मैथ है उसको सॉल्व करा देंगे, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हम आप सभी को मात्र 2-3 दिन में बता देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर आप लोग नहीं देखोगे तो बताइए हम कैसे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और कितने लोगों को ये जो सवाल है ये समझ में आया जरूर कमेंट करके बताओ, ठीक है, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग मैथ में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे मैथ में पास होने की भी ट्रिक है, आप लोग उस ट्रिक का यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ हमारे ही चैनल के ट्रिक का यूज करोगे तभी अच्छे नंबर आप लोग ला पाओगे, ठीक है, और किसी दूसरे चैनल का ट्रिक का यूज करोगे तो आप लोग फेल हो जाओगे। तो आप लोग जरूर देखना, ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो दिखेंगी, और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे इस टॉपिक पे भी वीडियो है हमारे चैनल पे, मैथ का कॉपी किस तरह से लिखना है, तो आप लोग जरूर विजिट करके चैनल पे देख लीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।